Okay, very good evening, Smarties. Welcome back in this session. And this is series number 24. My apologies, I kept you waiting for this series at least 2 or 3 days. But होली का भी खुमार था, आप लोग भी enjoy कर रहे थे. और हर व्यक्ति को enjoy करने का हक है. तो करना चाहिए. हम शुरुआत करते हैं आज के सीरीज को. उसके पहले मैं जानना चाहूँगा कि क्या मैं audible हूँ. रविकांत बलिया, इंद्र कुमार, रीता, रिम्पाल, जूली, विनोद, अंजलि, आबिद, अशोक, मंजू, शेष, प्रमोद एंड मेनी मोर, शरिता, अभिजीत, मेनी मोर, कमल, किशोर. सो बहुत सारे लोग हैं, तो उन सारे लोगों के साथ फिर अपना सेशन शुरू करते हैं. मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस आपको हर एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे. मैं फिर से बता दे रहा हूं इसलिए क्योंकि अभी नेट में एक नया मॉडिफिकेशन हो गया है कि अब अगर आपको भविष्य में PhD करनी है तो उसी एग्ज़ाम में पहले 2 स्कोर होता था, एक को JRF अवार्ड किया जाता था, एक निर्धारित अंक वाले को, उसके कम वाले को नेट. अभी उसके एक तीसरा कैटेगरी बना दी है, थर्ड कैटेगरी कर दी है, एलिजिबल फॉर PhD, मतलब PhD एनरोलमेंट के लिए. तो कहीं ना कहीं अब नया सेशन, UGC का सर्कुलर है, आपको पता चल ही गया होगा, मैंने ग्रुप में डाला था. खैर वो इशू नहीं है, इशू है कि आप पढ़िए और समझिए. और कभी इस तरीके की कोई बात रहे कि देखो मैं आफ्टर ऑल आई एम नॉट अ कंप्यूटर, आई एम अ ह्यूमन बीइंग ना, तो उसको भी ध्यान दिया करिए. तो अगर मैं शेक्सपियर की स्पेलिंग लिखते हुए कुछ गलत कर दिया तो आप उसको ये जान लीजिएगा कि मुझे शेक्सपियर की स्पेलिंग कम से कम आती है, ठीक है, तो उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं रहता. खैर बाकी आपके विवेक पर छोड़ता हूँ. लेट्स बिगिन द सेशन. हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. पहला सवाल सुनते हैं, ठीक है, पहले सवाल की तरफ चलते हैं. हम पहला सवाल देखेंगे, फिर जवाब तो देखेंगे, सवाल देख लेते हैं. पहला सवाल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स प्रिफर्ड शेक्सपियर्स कॉमेडीज टू हिज ट्रेजेडीज. ऐसे कौन से क्रिटिक हैं जिन्होंने शेक्सपियर की कॉमेडीज को प्रीफर किया इन कंपैरिजन टू हिज ट्रेजेडीज. हालांकि ऐसा माना जाता है कि उनकी ट्रेजेडीज में वो ज़्यादा धार है, वो पैनापन ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू कॉमेडीज. लेकिन एक ऐसे क्रिटिक रहे जिन्होंने उनकी कॉमेडीज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी बजाय इसके उनकी ट्रेजेडीज को. आपको बताना है डॉक्टर जॉनसन, एडिशन, ड्राइडन एंड पो एंड यू मस्ट बी नोइंग. यहाँ पर आपने देखो आंसर आपकी ज़्यादातर सही है. डॉक्टर जॉनसन ने ही ऐसा कहा है, कोई दिक्कत नहीं है. प्रोफेसर शेक्सपियर इन्होंने लिखा है, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. प्रीफेस टू शेक्सपियर में ये बात उन्होंने कही है, ठीक है, और बहुत तमाम बातें उन्होंने कही है. और ये कब आता है? 1765 में आता है. ये भी आपको ध्यान रखना है. छोटी चीज़ है लेकिन किसी भी एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा. तो ये सारी चीज़. और उन्होंने ये भी कहा कि शेक्सपियर जो होता है ना वो बस ऐसे लिखता है, उसका उद्देश्य आपको ज्ञान देना नहीं है. ही राइट्स विदाउट एनी मोरल पर्पस, ठीक है. तो इस तरीके की भी बातें वो करते हैं. आई होप कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है. आगे की बात करेंगे, आगे भी चलेंगे हम. और इन किंग लियर फॉर व्हाट रीजन डज केंट अज्यूम अ डिसगाइज. किंग लियर में वो जो है, जो केंट है, केंट बेस बदलता है, किस लिए बदलता है? हालांकि वो केंट जो रहता है वो किंग लियर का सबसे वफादार नौकर रहता है, और वो बेस बदलता है. क्यों बदलता है आपको पता है? जब वो सवाल आपके एग्जाम में क्या आएगा, टू कंटिन्यू टू सर्व लियर, दो लियर हैज मैनेज्ड हिम टू स्पाई ऑन एडमंड, एडमंड पे जासूसी करने के लिए, टू एंटागोनाइज गोनरिल एंड रीगन, गोनरिल और रीगन को और उकसाने के लिए उसके प्रति, मतलब टू रिवेंज अपॉन लियर फॉर बैनिशिंग हिम. वो लियर से बदला लेना चाहता था क्योंकि बैनिश कर देता. बैनिश क्यों किया था लियर ने? क्योंकि उसने कॉर्डिलिया के साथ जो अन्याय हो रहा था उसका सपोर्ट कर दिया कि ये आप राजा साहब, ये आप सही नहीं कर रहे हैं. और लियर तो भाई एकदम रैशनेस है उसके अंदर. वो लग रहा है कि उसे लग रहा है एक आदमी के बाद जब पावर आती है तो मतलब यू विल ओनली रिकॉग्नाइज अ पर्सन, पर्सन्स ट्रू सेल्फ ओनली व्हेन ही इज इन पावर और सी इज इन पावर. किसी व्यक्ति का असली चरित्र देखना हो तो जब उसके पास पावर हो, मतलब, और तब वो हम्बल बना है, तब वो मीक बना है, तब वो सही में जेनुइन बनता है. अदरवाइज जिसके पास पावर ही नहीं है वो हम्बल और मीक बना रहेगा तो बेकार है. समझ रहे हैं कि नहीं? अब पावर यार, ये केंट ने गलती कर दी. अब ये बाद में इसको एक बेस बदल के रहना पड़ता है. किस रूप में रहता है बेस बदलता है तो क्या नाम रखता है अपना? हालांकि इसको काइयस आप पढ़ते हैं लेकिन अगर ग्रामर अंग्रेजी प्रोनंसिएशन इसका कीज होता है, बाकी आप कुछ भी पढ़ सकते हैं. तो सवाल आपके एग्जाम में ये भी बनेगा. और वो क्यों, वो इसलिए रहता है कि वो सबसे वफादार था, वो राजा की अपनी सेवा करते रहना चाहता था कीज के रूप में रह करके.
और क्योंकि राजा था उसको बांटना था, उसने कहा कि कौन मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, तो वो कहती है कि एक बेटी को जितना प्यार करना चाहिए। कॉर्डेलिया को ये बात उसे पसंद आई नहीं, क्योंकि और ज्यादातर किंग लियर जैसे लोगों से भरी हुई है दुनिया। कहने का मतलब है द वर्ल्ड इज फुल ऑफ गुडी गुडी पीपल हार्डली अ गुड मैन, वो रामधारी सिंह दिनकर की लाइन है ना, क्षमा सोभते उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। मतलब उन्होंने कहा कि क्षमा तो उस व्यक्ति को शोभा देता है जिसके पास पावर हो, उसका क्या जिसके पास वो एकदम मतलब किसी काम करे उसके पास कोई पावर नहीं हो। तो उन्होंने कहा क्षमा सोभते उस भुजंग को जिसके पास गरल, गरल मतलब विष, जिसके पास गरल हो उसका क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। तो इफ यू वॉन्ट टू नो द ट्रू सेल्फ ऑफ अ पर्सन देन ट्राई टू नो हिम वेन ही आर सी इज इन पावर, जब वो पावरलेस है तो आपसे मीक और हम्बल बन के बात करेगा। तो कोशिश करो हम्बल बने के रहने की, और हम्बल बनो मत, ट्रू सेल्फ वाला हम्बल बनिए, ऐसा नहीं कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग मत बनिए। तो ये आपका हो गया, दो सवाल बना, ये की जिसको आप काइयस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं आई डोंट नो, मैं भी वही पढ़ता हूँ जो आप भी पढ़ते थे, मैं भी स्टूडेंट लाइफ में ही सीखा हूँ, जब सीखा हूँ तो सही भी बता दे रहा हूँ। बाकी आई होप कि अगर मज़ा आ रहा है तो एक रिक्वेस्ट भी कर ले रहा हूँ आपसे, देखिए और ये टू कंटिन्यू टू सर्व लियर विद, अब आपको तो पता ही हो गया साहब, तो मज़ा आ रहा है तो लिख दीजिए मज़ा। देखिए यहाँ पर स्नेहा कह रही प्लीज़ लाइक एंड शेयर। अच्छा एक बात मैं बताऊँ, परसों मैं अपने एक जूनियर से मिला, हालांकि जूनियर क्या मेरे स्टूडेंट रहे, वो अनअकैडमी बायजूज और तमाम बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ाए, शायद अच्छा पढ़ाते हैं क्योंकि मैंने पढ़ाते हुए इनफैक्ट कभी देखा नहीं है, लेकिन पढ़ाते तो अच्छा ही होंगे। तो उन्होंने कहा सर ये पता है आपकी जो रीच है वो बहुत कम है, बच्चे जो यूट्यूब पे देखते हैं इतने प्यारे प्यारे कमेंट लिखते हैं, कहें मैंने देखा, उन्होंने देखा होगा जरूर, तभी उन्होंने कहा कि सर बच्चे बड़े अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हैं, सर यू आर वंडरफुल, यू आर यूनिक, ये दिस दैट, आलोचना करने वाले भी करते हैं, लेकिन ये बच्चे इतने खतरनाक हैं कि कहीं शेयर नहीं करते, इस वजह से आपकी रीच नहीं पहुंच पाती। आपको एक निर्णय, उनको लगता है कि डर है कि ये बच्चा और भी कोई जान जाएगा तो गलत हो जाएगा। तो पहली बात ये बता दूं कि जो माली होता है फूल बेचता है, फूल बेचने से उसे पैसा मिलता है, लेकिन महक फूल खरीदने वाले से ज़्यादा उसके हाथ में रहती है। तो एक रिक्वेस्ट मैं भी कर ले रहा हूँ, अभी तक नहीं किया था पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, लेकिन आज कर ले रहा हूँ कि कोशिश करिए, हम्बल रिक्वेस्ट ही है, चाहे यही गुरु दक्षिणा समझ लीजिए, इसको शेयर जरूर करिए, किया करिए। मैं देखता हूँ अभी जब उन्होंने कहा तो मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि 250-300 लाइव लोग रहते हैं, शेयर कहीं कहीं 2 शेयर रहता है, 3 शेयर रहता है, 4 शेयर रहता है, उसका आंकड़ा एल्गोरिदम दिखाता है ना जब चेक करेंगे। तो पीड़ा भी होती है, ऐसी नहीं है, लेकिन हालांकि मैंने पब्लिकली ऐसे कभी नहीं कहा था कि शेयर करिए, लेकिन मुझे लगता है कि आपको शेयर करना चाहिए, और आई मस्ट बी हम्बल टू रिक्वेस्ट यू कि आपको करना चाहिए। उन्होंने बताया कि तो मुझे, मैंने उस पर क्लिक किया कि बात, सोचा कि बात तो सही होगी, इतने प्यारे प्यारे कमेंट लिखते हैं आप लोग और शेयर इस इधर से नहीं करते कि कोई और जान जाएगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। कोई चीज़ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है तो सबको मिलनी चाहिए ना, ईश्वर का भी भाव, मतलब आपको ऑक्सीजन मिलती है ना, तो मतलब जब खुदा ने नहीं किया यार, तो हम तो यार, हम आप तो एकदम नॉर्मल, हमारी आपकी कोई औकात ही नहीं है यार ईश्वर के सामने। हाँ सूर्य अपने प्रकाश को देने में कोई ये कि इसके ऊपर कम पड़ेगा, इसके ऊपर ज़्यादा पड़ेगा, थोड़ा सा अपने दिल को बड़ा रखिए, ईश्वर आपके साथ है। जब आप दिल बड़ा रखते हो, और हाँ अगर आप कभी जीवन में गलती करें तो बी हम्बल टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक, बहुत ही स्टूपिड चीज़ होती है जब आप गलत हों और आप गलती को एक्सेप्ट ना करें, मतलब आप अपने आप को फिर भी, मतलब यू ट्राई टू शो यू आर टू गुड एंड यू ट्राई टू टॉक टू वाइज, ये अवॉइड करना चाहिए। रुडयार्ड किपलिंग की लाइन को मैंने कोट किया, तो अपने शब्दों में कोट किया, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये हम्बल रिक्वेस्ट है, शायद मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप जो कमेंट लिखते हैं उसी कमेंट के साथ साथ शेयर भी किया करिए, और भी जहाँ जहाँ ग्रुप हो करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, उससे मेरी रीच बनेगी, जब मेरी रीच बनेगी तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मुझे भी फायदा होता है। तो एक रिक्वेस्ट के रूप में मैं यहाँ पर कहूँगा, ठीक है। बाकी आपके एवरीथिंग इज एट योर डिस्क्रिप्शन, कुछ कहना ही नहीं है, सब आपके विवेक पे है। तो आगे की बात करते हैं सर, मूविंग टू द नेक्स्ट वन साहब, चलते हैं साहब आगे की बात करते हैं। हाँ सब लोग अगर स्टेटस लगा देंगे तो मुझे मेरी गुरुदक्षिणा यही मिल जाएगी, मतलब
क्योंकि मैंने फील किया, देखिए कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, मैं तो बिल्कुल नहीं हूं, आपके बारे में जानता नहीं हूं, आप में से कई लोग टच में हैं तो जानता भी हूं, तो मैं तो बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूं और मैं परफेक्ट कोई बन भी नहीं सकता है, और स्वर्ग और नर्क का कॉन्सेप्ट जो है कि ये मैंने देखा नहीं है। जब मैं जोनाथन लिविंगस्टन सीगल की बात करता हूँ रिचर्ड बाक की किताब में, तो उसमें एक लाइन आती है, हैवन इज नॉट अ प्लेस, इट इज़ नॉट टाइम, इट इज़ बीइंग परफेक्ट। दुनिया में स्वर्ग और नर्क नहीं है, स्वर्ग कोई जगह नहीं है, स्वर्ग कोई वक्त भी नहीं है, हेवन इज बीइंग परफेक्ट। हेवन होने का मतलब है आप परफेक्शन को, इफ यू आर रीचिंग परफेक्शन तो आप उस गॉडहुड को प्राप्त कर लेते हैं। दुनिया में जितने भी लोग हुए हैं वो मनुष्य रूप में पैदा हुए थे, बाद में हम ईश्वर बाद में बने, वो आप लॉर्ड क्राइस्ट से, जीसस क्राइस्ट से लेकर के महात्मा बुद्ध से लेकर के मर्यादा पुरुषोत्तम राम से लेकर के आधुनिक दुनिया में हम देखें 20वीं शताब्दी का दुनिया का सबसे बड़ा फिलोसोफर रजनीश जी, ओशो गुरु जी को देखें, तो आप कहीं ना कहीं पाएंगे कि दे ऑल हैव बीन ह्यूमन बीइंग। तो वो परफेक्शन की तलाश में थे और कहीं ना कहीं उन लोगों ने परफेक्शन को प्राप्त किया, बट लेकिन उन्होंने किया क्या, दे सैक्रिफाइस देयर लाइफ इन वन वे और इन सम अदर वे फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो ये महानता को बताती है, गांधी मंडेला जैसे लोग जो होते हैं वो गॉडहुड को एक टाइम के बाद प्राप्त कर ही लेंगे, अंबेडकर टाइप के लोग जो होंगे वो हमेशा एक समय के बाद गॉडहुड को, ईश्वरत्व को प्राप्त कर ही लेंगे, कोई रोग बच नहीं पाए, कोई उन्हें रोक भी नहीं सकता। तो ये थोड़ा सा आपको बस बने रहना है अपने, और यहाँ पर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बड़ा ज़रूरी है जानना चीज़ों, जब आप एक उम्र के बाद जब किताबें पढ़ते हैं तो थोड़ा सा आपके अंदर गांभीर्य आने लगेगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट इसलिए की क्योंकि वहाँ पर देयर इज अ मेथड इन माई रिक्वेस्ट, उस रिक्वेस्ट में भी एक मेथड था, वो मेथड यही था आई वॉन्टेड टू हैव रीच, और वो केवल आप ही दे सकते हैं मुझे, कोई और नहीं देगा। माना कि एक घंटा लेता हूँ लेकिन मैं एक घंटे में जरूर कुछ ऐसा सिखा के जाता हूँ जो शायद आप सीखते हैं पहली बार। मैं आप पे नाराज़ हो सकता हूँ, कम से कम मुझे इतना हक है, आप मुझसे नाराज़ नहीं हो सकते अगर मैं कभी डांट भी दूँ तो, क्योंकि आपसे मैंने सीखा नहीं है, और जिससे लोग सीखते हैं मैं आपको बता दूँ, आप दुनिया में उस व्यक्ति को जिसको सबसे ज़्यादा नापसंद करते हो आज जाके सोचिएगा 10 मिनट, और उसने आपको ऐसी कोई बात बताई है जो आपने पहले कभी ना सीखी हो, तो दुनिया में जब जब उस टाइप का प्रकरण आएगा उसका चेहरा आपके सामने आ जाएगा। मैं जब जब जीवन में किसी व्यक्ति की लाइन इस्तेमाल करता हूँ और जीवंत व्यक्तियों का उसको जब बात किया हूँ तो उसका अगर वो लाइन मुझे अच्छी लगी तो मैं रिपीट करता हूँ तो उस व्यक्ति का चेहरा मेरे सामने आ जाता है। मैं ये मेरा पर्सनल आई हैव लिव्ड दिस लाइफ, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, क्योंकि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। आगे की बात करते हैं साहब, चलते हैं। Moving to the next one, things without all remedy should be without regard. What is done is done. जिन चीजों को आप बदल नहीं सकते उसके बारे में सोचने का क्या मतलब है? Things Act 3 Scene 2 में लाइन आती है, the above lines are from the play. Things without all remedy, ऐसी चीजें जिनका कोई उपचार नहीं है, things that cannot be corrected by you, let them. अब बहुत ज्यादा हाथ पैर चला के क्या कर सकते हो यार, चाह करके भी तो आप आसमां को नहीं छू सकते ना, तारे नहीं ला सकते ना, तो जो चीजें मतलब नहीं पॉसिबल है उसके बारे में मत सोचो। आप चाहोगे तब पर भी आप पायलट नहीं बन पाओगे, क्योंकि आप अंग्रेजी लिटरेचर पढ़ रहे हो, पायलट पढ़ने के लिए पढ़ाई दूसरी होती है। अब यह कहना कि सर मैंने पढ़ा था, सर किताब में लिखा है नथिंग इज इम्पॉसिबल, और मैंने एपीजे अब्दुल कलाम साहब को पढ़ा है, नो डाउट वो बहुत बड़े फिलोसफर रहे, मैंने एपीजे अब्दुल कलाम को साहब को पढ़ा है कि इम्पॉसिबल वर्ड में ही लिखा है कि आई एम पॉसिबल, लेकिन हर चीज नहीं संभव है। ये थोड़ा सा रेशनल बन के आप सोचिए, मछली का काम है पानी में चलना, और मछली कहेगी नहीं आज मैं पेड़ पे चढ़ के दिखाऊंगी, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम सदी का सबसे बड़ा फिलोसफर, सबसे बड़ा वैज्ञानिक ने कहा है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, और मछली कहेगी नहीं मैं पानी से निकल करके पेड़ पे चढ़ूंगी, मछली एक आध दो बार प्रयास करेगी, उछल करेगी, उसके बाद ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा और मछली मर जाएगी, क्योंकि मछली का काम पेड़ पे नहीं चढ़ना है, मछली का काम सिर्फ पानी में चलना था। तो आप अपने कैलिबर, मेरे कहने का मतलब यू हैव टू चेक योर कैलिबर, यू हैव टू फाइंड आउट योर टैलेंट वेर इट एक्चुअली इट लाइज, उसको शार्पन करना, यू हैव टू शार्पन देयर, वहां पर अपने आप शार्प करना है, इस पर काम करना है।
आपको टीचर बनना है, अंग्रेजी का बनना है, उस पर फोकस करिए जो पोर्शन आपका वीक है। डेफिनेटली सूनर और लेटर यार होना तो तय है। आज तक मैंने किसी ऐसे बंदे को नहीं देखा जो मेरा बैचमेट रहा हो या जो जूनियर भी रहा हो। जूनियर तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पद पे पहुंचे, सफल हुए, कम से कम मेरे इक्विवेलेंट तो हैं। वो असफल नहीं रहा अगर उसने ईमानदारी से पढ़ा। तो ये जो है ना, थोड़ा सा रेशनल होकर बात की, अगर ये कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए हमारे लिए हमेशा इम्पॉसिबल रहेंगी यार। वो फिल्मों में, फिल्मों का डायलॉग अच्छा लगता है कि वो मतलब आज मैं तोड़ के रख दूंगा आईएएस की ऐसी की तैसी, आज आईएएस परीक्षा एग्जाम क्वालिफाई। वो फिल्म देख करके आएंगे आप, उससे मोटिवेट होंगे तो फिर आईएएस के एग्जाम देने लगेंगे तो सुपर फ्लॉप हो जाएंगे। आप अपने आप को चेक करिए वे कि आप डिजर्व करते हैं कि नहीं, उसके बाद मेहनत करिए, जरूर सफल होंगे। ठीक है, अच्छा लगा हो तो ठीक है, बुरा लगा हो तो माय अपोलोजीज। थैंक यू किरार भाई। थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी, जिन चीजों का उपचार नहीं हो सकता है शुड बी विदाउट रिगार्ड, उनके बारे में सोचने का क्या मतलब है यार। उनके बारे में टेंशन मत लो, व्हाट इज डन इज डन, जो हो गया सो हो गया। अब तुमने मर्डर कर दिया है तो कर दिया है, अब उसको जिंदा तो कर नहीं पाओगे ना, क्या जस्टिफिकेशन है। सोचिए एक पत्नी अपने पति को समझा रही है कि ऐसे तो पकड़े जाओगे। मैकबेथ में कहते हैं, ये कहती लेडी मैकबेथ है, इसीलिए शायद इस प्रकार की आइडियाज के लिए इसको फोर्थ विच कहा था। किसने कहा था? कॉलरिज साहब ने। ठीक है, लेडी मैकबेथ ने कहा है, थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी, जिन चीजों का कोई उपचार नहीं हो सकता, इनक्योरेबल थिंग्स है, उनके बारे में सोचकर क्या फायदा, क्यों आप दुखी क्यों हो। ठीक है, आगे की बात करते हैं साहब, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। रिलीजियस रिफॉर्मेशन इन इंग्लैंड वॉज, जो रिलीजियस रिफॉर्मेशन था, यह धार्मिक धर्म सुधार आंदोलन जो था इन इंग्लैंड वॉज, क्या था? प्रिकर्सर ऑफ द रेनेशा, इंडिपेंडेंट ऑफ द रेनेशा, एन एंटीथीसिस ऑफ द रेनेशा, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द रेनेशा। ये जो जो था, जो रिलीजियस रिफॉर्मेशन था, आप चाहे मार्टिन लूथर को देखिए, उन्होंने 95 पैम्फलेट लिखा, 95 थीसी जो था उन्होंने 95 थीसी जो था उन्होंने लिखा। और मार्टिन लूथर ने किया क्या कि उन्होंने कहा कि यार ये जो लोग मतलब चर्चे जो ड्यूरिंग दैट टाइम हैड बिकम द हॉट बेड ऑफ प्रोफ्लिगेशी। लेकिन बिफोर मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर तो 1516 शताब्दी में आता है, जर्मनी का प्रोफेसर था फिलोसफी का, थियोलॉजी का। उसके पहले अगर हम देखें जॉन विक्लिफ का नाम आपने सुना होगा, तो चर्चेज हैड बिकम द हॉट बेड ऑफ प्रोफ्लिगेशी, करप्शन, लाइसेंसनेस, एवरीथिंग दैट वॉज इमोरल वॉज बींग डन एट द पोर्च ऑफ चर्चेज। उसके विरोध में, क्योंकि बाइबल वॉज इन लैटिन, बाइबल वॉज नॉट इन द लैंग्वेज ऑफ लेमैन, लेमैन उसको समझ नहीं सकता था। उसमें फादर ने बता दिया यही लिखा है, इसका मतलब ये है, जाओ तुम अपने कन्फेशन करो, इतना पैसा लाओ, क्षमा पत्र तुम्हें मिल रहा है, मे यू आमीन, मे यू ब्लेस्ड इन हेवन, हो गया, मे यू बी ब्लेस्ड इन हेवन हो, कह दिया, हैप्पी हो गया सब। लेकिन बंदा आया जॉन विक्लिफ ने कहा ये सही बात नहीं है यार। फिर मार्टिन लूथर ने कहा कि गॉड और मेरे बीच कोई मीडिएटर नहीं होना चाहिए। उसने प्रोटेस्ट कर दिया, प्रोटेस्टेंट धर्म आ गया। और जब प्रोटेस्टेंट धर्म आया तो क्या हुआ, आप क्या कर रहे हो, आदमी को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है, कहीं ना कहीं प्रिकर्सर है किसका, रेनेशा का। और रेनेशा क्या कहता है, रेनेशा क्या है, रिवाइवल ऑफ लर्निंग है ना, तो रेनेशा कहता है, क्या कहता है रेनेशा, मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग। रेनेशा क्या कहता है, मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग। हालांकि ये जो है, मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, मनुष्य जो है, मैन इज एट द सेंटर, कहा कि मनुष्य जो है सभी चीजों का मानदंड है। मतलब ये लाइन वैसे तो प्रोटेगोरस ने कही थी, किसने कही थी, प्रोटेगोरस ने कही कि मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग। इसने कहा कि यार मैन इज मोर इंपॉर्टेंट देन गॉड, दुनिया में इंसान ही नहीं रहेगा तो भगवान की पूजा कौन करेगा। द क्वेश्चन इज गॉड हैज ऑलवेज बीन सिंस द टाइम इमेमोरियल, गॉड हैज बीन अ मेटाफिजिकल क्वेश्चन। खुदा या ईश्वर या भगवान एक अव्यकृत प्रश्न है, वो है कि नहीं है इसके बारे में डिबेट बड़ा लंबा होता आया है, एंड टिल नाउ नोबडी कुड प्रूव इट। अगर आप कह सकते हैं कि हैं, तो बहुत सारे ऐसे तर्क दे सकते हैं कि नहीं है, अलग अलग चीजें हैं।
और महात्मा बुद्ध ने तो यहां तक भी कहा कि अगर आपका भगवान इफ द जो डब्ल्यू बेट्स कहते ना बेस्ट लाइक ऑल कन्विक्शन वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी, तो कहते अगर वो ईश्वर जो नक्कारों को भी खाना देता है, जो मतलब अगर वो देख रहा है कि आदमी मर रहा है, तड़प रहा है, मार काट हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, और वो भगवान आपकी रक्षा नहीं कर रहा है, तो फिर वो भगवान या तो मेरी तरह असहाय और कमजोर है या तो भगवान नहीं। हालांकि उन्होंने भगवान के होने पर सवाल नहीं उठाया था, उन्होंने बस ये कहा कि वेदों में प्रमाण, वेदों को प्रमाण नहीं माना। और एक जमाना था आपको पता है, अब यहां से बुद्ध धर्म भारत में भले कम हो, श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया, जापान, चाइना, आपको पता है ना कि वहां आज भी बुद्धिज्म से है। तो आप सोचिए पहले कि गॉड है कि नहीं, एक मेटाफिजिकल क्वेश्चन है। यू कैन गिव हंड्रेड्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ गॉड्स प्रेजेंस, और क्रिस्टोफर हिचन जैसे अब तो नहीं रहे दुनिया में, वो ऐसे हजारों पॉइंट दे सकते हैं कि गॉड नहीं है। खैर, मैं शायद उतना काबिल नहीं हूं उस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए। मेरा व्यक्तिगत तौर से मानना है कि भगवान होते हैं, क्योंकि मैं अब आप मुझे आए दिन शनिवार लेटे हनुमान जी मंदिर दिख जाएंगे तो कहेंगे ये तो कहते हैं भगवान मानते नहीं, यहाँ क्या कर रहे हैं। तो भाई मैं तो मानता हूँ, हाँ मैं लॉर्ड शिवा के टेम्पल में दिख जाऊँगा, जहाँ भी मुझे सुकून मिलता है मैं चला जाता हूँ, लेकिन मैं भगवान को मानता हूँ। अब आपकी अपनी मर्जी है। तो ये मार्टिन लूथर ने क्या किया, सवाल उठा दिया क्या मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग। तो ये क्या था, मैन इंपॉर्टेंट है, मैन इज मोर इंपॉर्टेंट देन गॉड, किसके लिए, रेनेशा के लिए। तो प्रिकर्सर था, यहां से उन्होंने बताया। ठीक है साहब, आगे की बात करो, सप्लाई द मिसिंग मॉडिफायर इन द फॉलोइंग कॉन्सेप्शन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक डिक्शन, देयर नीदर इज नॉर कैन बी एनी। यहां पर एक मॉडिफायर है, डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज अप्रूव एंड मेट्रिकल कंपोजिशन। कविता और आम आदमी की भाषा में ना तो कोई अंतर है ना होना चाहिए ऐसा माना। पोएट्री शुड बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन, समझने का अपना। हालांकि इसकी आलोचना भी बाद में हुई, नेसेसरी, मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी, यहाँ पर आपका आंसर इसेंशियल हो जाएगा। ये डायरेक्ट लाइन वहाँ पर देना है जो उन्होंने इस्तेमाल किया है कि ना तो कविता, मतलब देयर नीदर इज, ना तो कोई है ना ही कोई हो सकता है, कोई डिफरेंस, कोई खास डिफरेंस हो सकता है आम आदमी की भाषा में और कविता की भाषा में। हालांकि हर आम आदमी की भाषा कविता नहीं हो सकती है, कविता में हमेशा अर्थात होना चाहिए। अगर नहीं है, जिस काव्य में अर्थात नहीं है, मतलब दैट इज टू से नहीं है, तो कविता नहीं होती है, और फिर हर व्यक्ति कवि नहीं बन सकता ना। कविता, पोएम मीन्स मेकिंग ऑफ समथिंग एंड अ पोएट इज अ मेकर, मेकर ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, वो सभ्यता का निर्माण करता होता है, और ऐसे कोई कवि तो नहीं बन जाता। अब कुमार विश्वास बनने के लिए वो बड़ी बड़े संवेदनाओं को सोचना पड़ता है, वो वाली फीलिंग। देखो, बनावटी कवि बनना और नेचुरल कवि बनना बहुत आर डिफरेंट थिंग्स। शेक्सपियर जो थे बनावटी कवि नहीं थे। आगे की बात करें साहब, फॉर वर्ड्सवर्थ इमेजिनेशन इज लाइक, वर्ड्सवर्थ के लिए इमेजिनेशन क्या है। Imagination is like reason in her most exalted mood, novel living and the novel deed, tyranny, जिसको आप tyranny पढ़ते हो, the vulgar from of the present things, क्या बात है। तो यहाँ पर आपका answer, I am waiting for your answer, and your answer is what? This is reason in her most exalted mood. आज अपने score भी साझा करिएगा, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। Poetry is the first and the last of all knowledge. It is as immortal as the heart of man. Who opined this? ऐसी बात किसने कही है? Your answer is what? This to P.B. Shelley, S.T. Coleridge, William Wordsworth, John Keats. Again, this is Wordsworth. इतना बड़ा नाम है Wordsworth कि आप क्या कर सकते हैं? एक मतलब super, एक supreme being था ये poetry में, romantic age में। ठीक है? Moving to the next one. आगे की सवाल, आगे की बात करते हैं। अ स्टेटमेंट विच में कंटेन टू और मोर मीनिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एक ऐसा कथन जिसमें दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं उसका क्या मतलब होता है, उसे एनेक्डोट कहते हैं, उसे एपिग्राफ कहते हैं, उसे एम्बिगुइटी कहते हैं, उसे फॉइल कहते हैं। फॉइल एक तो एल्युमिनियम फॉइल होता है जिसमें आप खाना लपेटते हैं, अगर आप लपेटते हैं तो लपेटना छोड़ दीजिएगा, ठीक है, मतलब खाना वाला रोटी वगैरह लपेटते हैं। दूसरी बात, फॉइल एक लिटरेचर में एक कैरेक्टर होता है जो हीरो का जस्ट अपोजिट होता है, वही क्वालिटीज रखता है, जैसे हैमलेट के लिए लेआर्टिस कह सकते हैं।
मैकबेथ के लिए बैंको कह सकते हैं, जूलियस सीजर के लिए मुझे लगता है ब्रूटस के लिए एंटोनी कह सकते हो। तो वो एक प्रकार का एंटागोनिस्ट टाइप का भी होता है, जरूरी नहीं वो एंटागोनिस्ट ही हो, ठीक है, जो उसकी क्वालिटीज को कंट्रास्ट करने के लिए, उसकी ताकि उसकी क्वालिटी को बताया जा सके, इसलिए एक कैरेक्टर लिटरेरी कैरेक्टर होते। तो फॉइल हो गया। एपिग्राफ क्या होता है आपको पता है, एपिग्राफ इज अ पर्टिकुलर लाइन रिटन एट द बिगनिंग ऑफ सम बुक और सम पोएम, ठीक है, जैसे कोई भी एक एपिग्राफ किताब है, अगर आप किताब देखें तो किताब में एक एपिग्राफ में दिखा दूं तो आपको हेल्प करेगी, जैसे ये इन्होंने शायद नहीं दिया है, जैसे किताब का पेज है उसी के पहले पन्ने पे कुछ एक लाइन लिखा रहे जो उसका इसेंस बताए, जो उसकी थीम को निर्धारित करे, इसमें तो नहीं था इसलिए मैं बता नहीं पाया। तो यहाँ पर क्या है, एनेक्डोट एक छोटी कहानी, यहाँ पर एम्बिगुटी हो गया। अब एम्बिगुटी की बात करें तो एम्बिगुटी की बात करेंगे तो विलियम एम्पशन का नाम, सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिगुटी नाम की किताब लिखे हैं, ये किताब भी कभी कभी पूछा जा सकता है, सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिगुटी की बात करेंगे, एम्बिगुटी, ठीक है। अब इसी ये 1930 में आया था, इसी एम्बिगुटी के लिए दूसरा शब्द आप मिलता जुलता आप शब्द क्विवल कह सकते हैं, ठीक है, और उसी के लिए और आप कह सकते हैं इक्वियोग, जो अभी हाल के लास्ट ईयर के आपके एग्जाम में आया था, तो सरल भाषा में उसको पन कह सकते हैं, हालांकि पन भी उसी के प्ले ऑन वर्ड्स लगभग मिलते जुलते शब्द हैं। तो एम्बिगुटी कहने का मतलब ये है, ठीक है। आगे की बात करें हम तो क्या है हमारे पास, अ सेंस सब्लाइम ऑफ समथिंग फार मोर डीपली इंटरफ्यूज द वर्ड्स गिवन अब अकरिंग, हालांकि वर्ड्स नहीं ये लाइन होगी पूरी, तो आप कह सकते लाइन कहाँ से है, आप देख सकते हैं, ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी, डैफोडिल, द प्रिलूड, ट्रिंटरनेवी, ऑल द फोर पोइम्स ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट गो ईच लाइन बाई लाइन, आपको जाना चाहिए, अगर आप जा सकते हैं नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, अमूमन जो इंपॉर्टेंट होते हैं, हालांकि इट्स वेरी डाइसी कि आपको पूरी पोइम नहीं पढ़े हैं, तो इट्स ऑलवेज वेरी डाइसी टू पिक द करेक्ट ऑप्शन, लेकिन फिर भी अमूमन जो पूछता है ट्रेंड रहता है उसी आधार पर ज़्यादातर टीचर्स या मुझे से टीचर्स बताते हैं, जो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प करता है। अब कहीं से 20 से कुछ शेक्सपियर से किसी भी राइटर से, स्पेशली शेक्सपियर की बात करें, कोई 20 से प्ले की किसी प्ले की लाइन ही पूछ लेगा, मान लो कोई मान लो पूछ लिया क्या क्या, आई थिंक सम नेटवर्क इशू इज हियर, आई थिंक देयर इज सम इशू, टेक्निकल ग्लिच है कुछ, अब लिख के बताओ कि अब सही है कि नहीं, और लेट मी चेक इट आउट इफ ऑल इज वेल, इज बफरिंग स्टिल कंटिन्यूड, सरिता बता रही, सरिता लिख के बताओ कि अब भी बफरिंग है, अब तो नहीं होनी चाहिए, कुछ बफरिंग का इशू जरूर आया था, वो नेटवर्क इशू नेचुरल था, फिर देख के बताइए। द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर की बात करेंगे, ये किताब है आपको पता है किसने लिखी है, और ये वर्ड्सवर्थ, एडवर्ड गिवन और थॉमस पेन या एडमंड बर्क, तो ये किताब किसने लिखी है आपको बताना है, और आपने बता दिया, ये किताब 6 वॉल्यूम में आई थी और 1776 लेकर के 1789 तक ये 6 वॉल्यूम बुक है, जानना है, और 6 वॉल्यूम बुक ये कभी कभी पूछा जाता है कितने वॉल्यूम में है, ध्यान रहे इसी से मिलती जुलती एक किताब आई थी एफ एल ल्यूकस की, तो उसको भी जान लेते हैं, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ, थोड़ा सा धैर्य आपको दिखाना पड़ेगा, रोमांटिक आइडियल, ये इसमें रोमांटिसिज्म पे एफ एल ल्यूकस की किताब है, एफ एल ल्यूकस वही है जिन्होंने कहा कि थिएटर इज नॉट अ हॉस्पिटल और अरिस्टोटल की कथारसिस की धज्जियाँ उड़ा दी थी, ठीक है। तो ये 1936 में किताब आई थी, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमांटिक आइडियल, जबकि यहाँ पर जो है, ठीक है अरुणेश, थैंक यू टू लेट मी नो कि ऑल इज क्लियर, और कोई बात नहीं, कौन कह रहा है 10वां क्वेश्चन नहीं दिखा, 10वां क्वेश्चन दिखा तो था, अब नहीं दिखा आपको, अब नेटवर्क इशू हो जाता है यार, वो नेटवर्क मेरे हाथ में नहीं है ना, अब जियो का नेटवर्क रहेगा तो ऐसे ही चलेगा ना, अब क्या ही कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमांटिक आइडियल, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। और मज़ेदार क्या बात बताऊँ आपको कि ये डिक्लाइन एंड फॉल में जो है, ये जो हिस्ट्री है कहाँ से कहाँ तक की है, तो 90 ये नेट में आ सकता है 98 एनो डोमिनाई से लेकर के 1590 तक का है, मतलब कितने टाइम पीरियड का हिस्ट्री कवर है इसमें, सन 98 से लेकर के 1500
90 तक का इतिहास इसके अंदर एडवर्ड गिबन ने कवर किया है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द आइलैंड सेटिंग ऑफ लैटमॉस फिगर्ड इन। ये लैटमॉस आइलैंड सेटिंग जो है किस में आता है? एंडीमियन में आता है, द्वीप ऑफ सेंट एग्नेस में आता है, लैमिया में आता है, हाइपीरियन में आता है। तो आपको बताना है कहां पर आता है। तो ये जो है द आइलैंड सेटिंग ऑफ लैटमॉस, अब आपको पता है कहां पर आता है, एकदम आसान सवाल है। शायद इसकी पहले वाली क्लास में मैंने ये बात जरूर बताई थी। तो आइलैंड सेटिंग ऑफ कहां पर आता है, ये 1818 जो है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, एंडीमियन में आता है। ठीक है, अ थिंग ऑफ, इसकी पहली लाइन क्या है, इट इज इन फोर बुक, इट इज इन फोर बुक्स, ये भी आपको बताई है मैंने। और अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इसकी पहली लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, जॉय फॉर एवर, ये लाइन आप जानते हैं। लैमिया, ईव ऑफ सेंट एग्नेस, हाइपीरियन जो है उनका अबैंडन्ड एपिक था। द बर्थ ऑफ द ह्यूमन माइंड वॉज अ वाइट पेपर, वाइड ऑफ ऑल कैरेक्टर, विदाउट एनी आइडियाज, इट इज ए स्टेटमेंट इन द राइटिंग साहब। ये एम्पिरिसिज्म की बात करते हैं। अब एम्पिरिसिज्म की बात कौन कर रहा है, यहाँ पर आपको जानना है। अब एम्पिरिसिज्म की बात करते हैं, मतलब यहाँ पर सीधा सीधा टैबुला रसा की बात हुई है। टैबुला रसा का मतलब क्या हुआ, जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा माइंड एकदम ब्लैंक स्लेट होता है और इट अंडरगोज मेनी चेंजेस एज बी कीप बी गेन आर एक्सपीरियंसेस, जैसे जैसे हम अनुभव गेन करते हैं तो वो अंडर चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर हम ये बताया, जॉन लॉक की फिलॉसफी थी एम्पिरिसिज्म का, और माइंड जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा माइंड ब्लैंक सीट होता है, उसमें कुछ नहीं, कूड़ा पेपर होता है, और जैसे जैसे हम अनुभव लेते हैं तो वो लिखते जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की बात है, यहाँ पर जॉन लॉक की फिलॉसफी है। आगे की बात करें हम, डिकेंस विच नॉवल डील्स विद द सोशल एंड इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स ऑफ विक्टोरियन इंग्लैंड, ओलिवर ट्विस्ट, हार्ड टाइम्स, डेविड कॉपरफील्ड, अ टेल ऑफ टू सिटीज, ये सारी की सारी बातें हम बात करेंगे। और आपके पास आंसर क्या है, ओलिवर ट्विस्ट की बात करेंगे, ओलिवर ट्विस्ट भी देखेंगे, 1854 में आता है, 1850 में आता है, 1859 में आता है और 1837 में आता है, मान लीजिए 38 में। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें तो ये सबका हम मैंने क्रोनोलॉजी बता दिया। और अगर ये ओलिवर ट्विस्ट की बात करें तो ओलिवर ट्विस्ट एक ओलिवर नाम के बच्चे की कहानी है, ऑर्फन बच्चा है जिसको आप जानते हैं। और इसकी कहानी, इसमें बड़ा उसका नाम ट्विस्ट है, कहानी में बड़े ट्विस्ट हैं। ठीक है, तो ओलिवर ट्विस्ट क्या है, पुअर लॉ ऑफ जो था 1834 का पुअर लॉ एक्ट जो था, पुअर लॉ जो एक्ट था उसको केंद्रित करके उसको क्रिटिसाइज किया गया था। और ये ओलिवर ट्विस्ट में ही बात है, तो आप कह सकते हैं पुअर लॉ ऑफ 1834 जो था उसी पे आधारित था, न्यू पुअर लॉ, मतलब ये एक लॉ आया था एक उसी पे आधारित था। आई होप दिस हेल्प्स। आगे की बात करें हम तो क्या है हमारे पास, ओफीलिया एंड मार्वेलस बॉय इज अ नॉवेल बाय, ओफीलिया और मार्वेलस बॉय एक नॉवेल है, फ्रैंक करमोट का है, या ये नॉवेल है हराल्ड ब्लूम का है, थॉमस कार्लाइल का है, कारिन फॉक्सली का है। ठीक है, ठीक है, ये किसका नॉवेल है आपको बताना है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, होप दिस हेल्प्स यू, शायद आपको ये मदद करे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आंसर अर्जुन शर्मा बता रहे हैं कॉरिन फॉक्सली। तो मैं बता दूँ कि कॉरिन फॉक्सली, हराल्ड ब्लूम ने ऐसा कोई नॉवेल तो लिखा नहीं, बेसिकली वो क्रिटिक हैं, फ्रैंक करमोट बेसिकली क्रिटिक हैं, और थॉमस कार्लाइल नॉवेल लिखे जरूर हैं, लेकिन उन 2014 में नहीं लिख सकते थॉमस कार्लाइल, तो आप इनको तो ऐसे हटा सकते थे, ये तो ऐसे एलिमिनेट कर सकते क्योंकि ये 2014 में नहीं लिख सकते, मैंने यहाँ लिख दिया था। कॉरिन फॉक्सली एक महिला ऑस्ट्रेलियन नॉवलिस्ट हैं और उन्होंने ये लिखा है, ऑस्ट्रेलियन, एक ऑस्ट्रेलियन नॉवलिस्ट हैं, उन्होंने लिखा है और ये महिला हैं, फॉक्स लगा है तो इसे जान सकते हैं। हालांकि इंग्लिश नेम में एक कई बार दिक्कत होती है हम भारतीय बच्चों को, कि हमें समझ नहीं पाते कि वो इंग्लिश नेम महिला है कि पुरुष है। अब मैं दूसरों की बात करूंगा तो थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा, मैं अपनी खुद की बात करूं, जब मैं नया नया एमए कर रहा था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और आई वॉज़ अ रेयर
स्टूडेंट्स टू बी इन क्लास, आई वॉज नेवर फाउंड इन क्लास, तो क्लासेस तो लेता नहीं था। और हमारे कई मित्र पढ़ते थे रेगुलर, दिन रात पढ़ते थे, टोपी लगा लगा के पढ़ते थे, पूरा धूप में नोट्स बना बना के पढ़ते थे। अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ता नहीं था। लेकिन क्योंकि जैक्स डेरिडा को जब मैं पढ़ा था तो मैं थोड़ी देर तक चाहे कुछ ही समय के लिए मैं कन्फ्यूज था कि डेरिडा हिंदी है कि ये मेल है कि फीमेल है, उसमें कन्फ्यूज हो गया था शुरुआती दौर में, केवल 4-5 दिन बाद पहली नज़र में, उसके बाद क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। कॉरिन फॉक्सली ये ऑस्ट्रेलियन नॉवलिस्ट हैं। रेनेशा सेल्फ फैसनिंग फ्रॉम मूव टू शेक्सपियर 1980 इज यूजली रिगार्डेड एज द बिगनिंग ऑफ, ये माना जाता है कि किस किस बात है रेनेशा स्टडीज का, कल्चरल स्टडीज का और एलिजाबेथन स्टडीज का और न्यू हिस्टोरिसिज्म का। आई होप यू विल आंसर, ठीक है आप इसका आंसर देंगे, ठीक है। तो यहाँ आपने बताया कल्चरल स्टडीज की बात कर रहे हैं, आई थिंक कि यू मस्ट गो मोर डीप ऑन। ज्यादातर आंसर बी दे रहे हैं, आई थिंक यू मस्ट गो ऑन डी, न्यू हिस्टोरिसिज्म की बात करते हैं, स्टीफन ग्रीनब्लैट से है। और ये जो है रेनेशा सेल्फ फैशनिंग फ्रॉम मोर टू शेक्सपियर, ये डॉली मोर, एलन सिल्फोर्ड और डॉली मोर की रचना है। और लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप स्टीफन जब ग्रीनब्लैट का नाम लेते हैं तो वो न्यू हिस्टोरिसिस्ट हो जाते हैं, और तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप यहाँ पर, ये किताब स्टीफन ग्रीनब्लैट ने लिखी है, किसने लिखी है स्टीफन, वो पॉलिटिकल शेक्सपियर जो है जॉनथन डॉली मोर ने लिखा है तो उस पर कल्चरल स्टडीज में आएगा, ये स्टीफन ग्रीनब्लैट ने लिखी है। और जब स्टीफन ग्रीनब्लैट हो गए तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, न्यू हिस्टोरिसिज्म। न्यू हिस्टोरिसिज्म क्या था, ये लिटरेरी मतलब और नॉन लिटरेरी टेक्स्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देते थे, दे ब्लर द डिफरेंस बिटवीन लिटरेरी टेक्स्ट एंड नॉन लिटरेरी टेक्स्ट। तो स्टीफन ग्रीनब्लैट ने लिखा, और फादर फिगर न्यू हिस्टोरिसिज्म में कौन है, ये कल्चरल स्टडीज के लिए आप पॉलिटिकल शेक्सपियर किताब जो जॉनथन डॉली मोर और एलन सिनफील्ड ने लिखी थी आप उस पर जा सकते हैं। बट मुझे लगता है कि राघव ने और कई लोगों ने सवाल सही दिया है, लेकिन बाकी ठीक है, और लोगों ने सवाल दिया है। नेक्स्ट वन, आगे की बात करते हैं हम, क्या हमारे पास टू, व्हाट डज द फ्रेज डेफ हेवन, ये डेफ हेवन शब्द आया है, डेफ हेवन फ्रेज आया है सोनेट नंबर 29 में शेक्सपियर के, सोनेट नंबर की बात 29 में शेक्सपियर के, डेफ हेवन किसके लिए इस्तेमाल किया है, और ये डेफ हेवन एक प्रकार का क्या है, डेफ हेवन एक प्रकार का आप कह सकते हैं परसोनिफिकेशन भी है और पैथेटिक फैलेसी भी है, दोनों भी आप कह सकते हैं, बेसिकली वो परसोनिफिकेशन है। तो यहाँ किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, गॉड के लिए इस्तेमाल हुआ है, गॉड के लिए डेफ हेवन शब्द इस्तेमाल हुआ है, सबका सही है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आगे की बात करते हैं, फाइंड आउट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, पॉलिटिक्स आर द सब्जेक्ट विच इज टॉट एट डिग्री लेवल, इट इज यू हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल, आई यू एंड ही इज गुड फ्रेंड, गंगा इज फेमस रिवर ऑफ इंडिया। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट है, ध्यान रहे अगर जब आपसे करेक्शन एग्जाम में पूछा जाए और उसमें कामा वाली एरर मानी जाए तो आपको इग्नोर करना है, कामा वाली गलती नहीं मानी जाएगी जब आपको करेक्शन की बात की गई है, स्पॉटिंग एरर की बात की गई। यहाँ तो चार सेंटेंसेस दिया है, पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो मैं आपके सही आंसर की बात करूँगा। सही आंसर आप बता रहे हैं पॉलिटिक्स आर, तो पहली बात पॉलिटिक्स एक विषय है, यस लगने से इसलिए यहाँ ईज हो जाएगा तभी सही होगा, और इट इज़ यू हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल, तुम ही इस पतन के जिम्मेदार हो, मुझे तो यही लग रहा है, आई यू एंड ही, तो यहाँ पर आर हो जाएगा, पहली बात तो ये बता दें आई यू एंड ही जो होगा ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि उसका जो प्रोनाउन का फार्मूला है 231 का चलता है, यू ही एंड आई
इस तरीके से होना चाहिए, फिर इसलिए गलत हो गया। और गंगा जो है एक नदी का नाम है, नदियों के नाम, समुद्रों के नाम, सागरों के नाम के पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग होता है। इसलिए एक क्वेश्चन में आपको चार क्वेश्चन मिले हैं, यहाँ पर ये जो सेंटेंस है बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे की बात करें, फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस, उसमें करेक्ट ढूंढना था, इसमें ये ढूंढना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वॉज नॉट गुड, यू ही एंड आई एम गुड फ्रेंड्स, द अरेबियन नाइट्स इज स्टिल अ ग्रेट फेवरेट, ईच ऑफ द स्कॉलर्स हैज डन वेल। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा गलत है, बाकी अब आपको पता है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, नाइनटीन का ये बता रहे हैं द क्वालिटी ऑफ मैंगोज वॉज नॉट गुड। क्या बात है, ज़्यादातर लोग उसको ये बता रहे हैं, कई लोग उसको बी बता रहे हैं, और जो लोग बी बता रहे हैं, जो लोग ये बता रहे, अच्छा कई लोग बी भी बताए हैं, कई लोग ये भी बता रहे हैं, मतलब ए और बी में काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो पहली बात द क्वालिटी ऑफ मैंगोज वॉज नॉट गुड, ये सही है, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी के लिए वॉज लगा है, इसलिए सही है। यू ही एंड आई और आई के बाद एम नहीं लगेगा, बल्कि ये प्लूरल हो गया तो यहाँ पर आर लग जाएगा, और यही इनकरेक्ट है, बाकी तो सही है। द अरेबियन नाइट्स इज स्टिल ग्रेट ईच ऑफ द स्कॉलर, ये भी सही है, ये भी सही है, केवल यही गलत है, यू ही एंड आई आर होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर आपका सेंटेंस ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर अब आई के अकॉर्डिंग एम लगा दिया गया है, जबकि यहाँ पर इसका सब्जेक्ट जो है ये दोनों है, तो तीनों सब्जेक्ट है तो प्लूरल माना जाएगा। रोशनी सिंह कह रहे हैं मैंगोज, ऐसा रोशनी ना मैंगोज का मौसम आ गया है, खाओ, थोड़ा ज्ञान बढ़ाओ, अच्छा लगे। ये मैंगोज के लिए नहीं लगा है, ये वाज जो है ये क्वालिटी के लिए लगा है। ठीक है, समझ रहे हैं? हाँ, नहीं तो मैंगोज खाते रह जाओगे, फिर आपसे पूछा जाएगा आम कैसे खाया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दो। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो टू कंप्लीट द सेंटेंस। द सोल्जर्स थ्रू द टाउन, वॉक थ्रू द टाउन, मार्च थ्रू द टाउन, रैन थ्रू द टाउन एंड लॉग थ्रू द टाउन। जब सती है आंसर बता दिया, तो ये तो एकदम वैसा प्रश्न था ना, तो प्रश्न में ही उत्तर बता दिया। तो सेना मार्च करती है, कूच करती है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मार्च थ्रू द टाउन, पूरे शहर में कूच कर रही थी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गया। आगे की बात करें, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, ही इज ब्लाइंड, हिज ओन फॉल्ट, विद ओन फॉल्ट, टू फॉल्ट, ऑफ, फॉर। तो सो इफ यू आर ब्लाइंड, तो कैसे यहाँ पर बताया गया है, यू ब्लाइंड विद सम, विद वन आई आर टू आईज, हालांकि ऐसा हो सकता है। यहाँ पर अगर बात करें यू आर ब्लाइंड टू, तो इज अ ब्लाइंड टू, आपका प्रीपोजिशन टू लगेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर भी आप सही हैं। ठीक है साहब, ज़्यादातर लोगों ने टू आंसर दिया है, कई लोगों ने, एक संगीता मित्तल करें ऑफ है, जी ऑफ नहीं रहेगा, वहाँ टू ही रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्लाइंड के बाद ऑफ नहीं लग सकता, लेकिन ऐसे सिनेरियो में जहाँ पर आप देख रहे हैं वहाँ पर टू ही सही है। चूज द करेक्ट, जैसे भारतीय राजनीति और अंग्रेजी में जो चैप्टर है अंग्रेजी ग्रामर का प्रपोजिशन, उनका कोई भरोसा नहीं, कब किसके साथ मिल करके कौन सी मीनिंग बना देगा प्रपोजिशन। प्रपोजिशन एंड इंडियन पॉलिटिक्स बोथ आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर, बोथ हैव ग्रेट एफिनिटी बिटवीन द टू। ठीक है, आगे की बात करते हैं साहब। तो टू ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है प्रकाशित होना, कोई किताब, माई बुक, मतलब टू ब्रिंग टू लाइट, प्रकाश, टू रिवील, प्रकट करना, कंसील, छुपाना, अपील और प्रेज। अपील आपको पता है, स्ट्रांग अपील अप कट बिहाइंड, जैसे आप कमेंट्री सुनते हैं ना रवि शास्त्री का, गौतम गंभीर का, आप तो सारे क्रिकेटर्स कमेंट्री करते हैं, तो आप सुनते हैं जब कट आता है तो विकेट कीपर अपील करता है, तो उधर कमेंटेटर क्या कहता है, कमेंटेटर कहता है अ स्ट्रांग अपील अप कट बिहाइंड, ऑल ऑफ द फील्ड सपोर्टेड बट अंपायर रिमेन्ड अनमूव्ड, ऑल ऑफ द फील्ड सपोर्टेड लाइन वी विल, आई वॉज लिसनिंग टू सम क्रिकेट कॉमेंट्री, नो संजय मांजरेकर वॉज देयर, a strong appeal of cut behind, all of the field supported but umpire remained unmoved। मैंने सोचा बोला क्या, उस संपुराने जमाने की बात है, पता नहीं उसकी रिकॉर्डिंग होगी भी कि नहीं होगी, बट यहाँ पर रिवील इज द राइट आंसर। रिवील का मतलब होता है खुलासा कर देना, डाइवल्ज कर देना, खैर वहाँ पर दूसरा अर्थ हो जाएगा डाइवल्ज का। तो आगे की बात करें,
चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज फुट द विल, क्या बात है, फुट द विल, टू टीयर द बिल, बिल को फाड़ देना, टू किक द बिल को लात मार देना, टू पे द बिल को चुकाना, टू थ्रो द बिल को मुंह पे फेंक देना। लो लो तुम्हारा बिल हो गया, क्या हो गया आपको बताना है। और यहां पर आगे की बात करें तो टू पे द बिल इज द फुट द बिल का मतलब पे द बिल चुकाना होता है। आगे की बात करें, फिल द ब्लैंक्स, रितु इज मोस्ट एक्टिव गर्ल इन फैमिली, रितु इज क्या भरा जाएगा, यू हैव टू फिलर्स, द और आ, क्या भरा जाएगा, कौन सा ऑप्शन रहेगा। तो यहां पर आप देखें व्हाट ऑप्शन यू हैव टू फिल हियर। देखो अर्जुन बता रहा है कि सर यहां भी दबर दीजिए। ठीक है अर्जुन, आज तेरा जो है ना ब्रह्मास्त्र चल गया, ठीक है, तो ये जो है ना दोनों जगह दादा ही रहेगा। हाँ, रितु इज द मोस्ट एक्टिव गर्ल इन द फैमिली, ठीक है, तो दोनों जगह दादा ही है और तो कहीं दा है नहीं, तो आप सही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, फियर ऑफ डेड बॉडी, डेड बॉडी का जो फियर होता है उसे क्या कहते हैं, ज़ेनोफोबिया, ऑटोफोबिया, ज़ोफोबिया और नेक्रोफोबिया। तो फियर ऑफ डेड बॉडी को आप नेक्रोफोबिया कहते हैं, ज़ेनोफोबिया फियर फ्रॉम द स्ट्रेंजर्स, फियर फ्रॉम द फॉरेनर्स या स्ट्रेंजर्स, दोनों हो सकता है, बात तो वही हुई ना। और ऑटोफोबिया फियर फ्रॉम द सेल्फ, खुद से डर लगे। ऑटोजोफोबिया फियर फ्रॉम द एनिमल्स, वो सारी चीजें आप जानते हैं, उसको बताने की और जरूरत नहीं है, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ टॉकेटिव गर्ल्स और वीमेन, बातूनी महिलाओं और या लड़कियों के समूह को क्या कहते हैं, वैसे जहां पर महिलाएं रहेंगी चार बात तो होगी, हाँ, और बेबी गैलेक्सी गैगल कॉवी, ठीक है, आपको बताना है व्हाट इज योर आंसर। आई विल वेट फॉर यू। देखो स्नेहा एकदम धड़ल्ले से बता रही, सर इसको गैगल कहते हैं, क्या बात है, जलवा है। बेबी का मतलब ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स, ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स और स्वान्स, ब्यूटीफुल गर्ल्स के लिए आप कहेंगे एक ग्रुप है, बातूनी लड़कियों के लिए गैगल, गैलेक्सी स्टार्स को ग्रुप को कह सकते हैं, कॉबी पार्ट्रिज पक्षी होता है तीतर, हाँ पार्ट्रिजेस, तीतर के आगे दो तीतर, तीतर के पीछे दो तीतर, बोलो कितने तीतर, कहोगे पांच, तो आप फिल्म देखना वो गाने को, तो तीन तीतर होंगे, तो गैगल इज द राइट आंसर। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट वन, साइंस ऑफ कॉजेज ऑफ डिजीज, एंथ्रोपोलॉजी मनोविज्ञान हो गया, स्टडी ऑफ आप समझ रहे हैं, कैलोलॉजी क्रोनोलॉजी एंड ईटियोलॉजी, अब आपको पता है कैलो द स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, ये ब्यूटी से समझ रहे हैं, स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, स्टडी ऑफ ब्यूटी कर दो, स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, नेचर ब्यूटी की बात नहीं कर रहा, बात सही है, ह्यूमन ब्यूटी थोड़ा सा प्रिसाइज होना पड़ेगा हमें। और स्टडी ऑफ ईटियोलॉजी, स्टडी ऑफ डिजीजेज इज ईटियोलॉजी, ईटियोलॉजी ईटियोलॉजी पढ़ा जाता है। क्रोनोलॉजी आप जानते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आता है, शेक्सपियर के प्लेस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करो। एंथ्रोपोलॉजी आपको पता है, हाँ तो ये आप समझ गए। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, शॉर्ट समरी ऑफ अ बुक और स्पीच, तो किसी किताब की छोटी सी समरी या जिस्ट टाइप का कुछ बने उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, जिस्ट को क्या कहते हैं। आपके पास कॉन्ट्राइट है, एपिटमी है और एनेक्डोट है, एपिग्राम है, अब आप तो कर ही सकते हैं। वैसे कॉन्ट्राइट का मतलब होता है वन हु इज रिमोर्सफुल, अगर आप किसी चीज़ के लिए प्रायश्चित कर रहे हैं, बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रिशन से भरे हुए हैं, तो कॉन्ट्राइट होता है। रिमोर्सफुल के लिए कॉन्ट्राइट शब्द इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आपके पास शब्द है एपिटमी, इसको एपिटमी पढ़ेंगे, एपिटमी का मतलब समरी भी होता है, हाँ समरी भी होता है, और एपिटमी का मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग भी होता है, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग भी होता है, जिस अर्थ में जहाँ प्रयोग किया जाए वहाँ आपको देखना है, ठीक है, दोनों अर्थ होता है, मॉडल या पैराडाइम या पैरागॉन के अर्थ में भी होता है, एनेक्डोट आप जानते हैं, एपिग्राम आप जानते हैं। समबडी हैज पुट आउट द लाइट, किसी ने पुट आउट द लाइट, देन पुट आउट द लाइट, ओथेलो की लाइन तो याद ही होगी, नहीं याद है तो मैं उसमें कर भी कह सकता हूँ, द लाइट हैड, मैंने ये सवाल ये फिगर ऑफ स्पीच भी बताई थी ओथेलो की, पुट आउट द लाइट देन पुट आउट द लाइट, यहाँ पर दोनों पुट आउट द लाइट का मतलब अलग अलग है, दोनों लाइट का मतलब अलग अलग है, और ऐसी स्थिति में वहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच होती है, और वो फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है वो आपको बताना है, नहीं आपको जानकारी तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पूरे शॉर्ट्स को देख लीजिए दोनों चैनल पे, कहीं ना कहीं वो वीडियो मैंने जरूर बताया होगा, शॉर्ट्स भी देख लिया करिए भाई,
तो द लाइट हैज बीन पुट आउट इज द राइट आंसर, द लाइट हैज बीन पुट आउट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसमें कोई शक नहीं है, लाइट हैज बीन पुट आउट, इसमें कोई शक नहीं है। डी फॉर डॉग इज द करेक्ट वन। एंड द लास्ट वन, माय पॉकेट हैज बीन पिक्ड, इसको एक्टिव में करना है। इसको क्या करना है, इसको एक्टिव में करना है, उसको पैसिव में करना था, इसको एक्टिव में करना है। माय पॉकेट हैड पिक्ड बाय समन, समन हैज पिक्ड माय पॉकेट, समन पिक्ड माय पॉकेट, समन हैड बीन पिक्ड माय पॉकेट, आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या है, असिंडेटान नहीं है नीलम जी, नाम सुन लिए हैं तो कहीं भी लगा देंगे, वहाँ पर एंटेना क्लेसिस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपने बताया समन हैज पिक्ड माय पॉकेट इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर एक और बात बता दूँ आपसे, एक बार से फिर से रिक्वेस्ट है कि मेरे एक जूनियर हैं जो बड़े टीचर हैं, उन्होंने मुझसे बताया कि सर ये बच्चे बड़े अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हैं, कोई शेयर नहीं करता। तो कहीं ना कहीं मेरी भी एक रिक्वेस्ट है आपसे, वैसे मैंने पब्लिकली कभी कहा नहीं है, इनडायरेक्टली तो हज़ारों बार कहा है कि आप शेयर किया करिए, लेकिन आज मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि इसको रीच ज़्यादा पहुँचाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा, तो मेरा भी मनोबल बढ़ता है, तो मैं और भी अच्छी चीज़ें दूंगा। एक और बात यहाँ पर बता दूँ, आई मस्ट बी हम्बल इनफ टू एक्सेप्ट माई मिस्टेक्स, मुझे यहाँ पर विनम्र बनना पड़ेगा, क्योंकि मैं सेट नंबर 22 में किसी क्वेश्चन पे आपको गलत इंटरप्रिटेशन कर दिया था, जबकि आप सारे लोग सही थे। ऐसा कभी कभी हो जाता है, और क्योंकि आई एम ऑल्सो अ मैन ऑफ ब्लड एंड फ्लैश, सो माई अपोलोजीज फॉर दैट। उस क्वेश्चन का कॉरिजेंडम मैं दिखा देता हूँ, आप उसको करेक्ट कर लीजिए, और क्योंकि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है, तो आप मिस्टेक कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों ने सही दिया था, मैंने इंटरप्रिटेशन गलत किया था, एंड आई मस्ट बी हम्बल एनफ टू एक्सेप्ट माई मिस्टेक, नहीं तो बड़ी स्टूपिड चीज़ होगी कि आप गलत भी करो उसको स्वीकार ना करो। तो यहाँ पर ये सवाल है, कॉरिजेंडम क्या है, सेट 22 में क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मैंने ड्राइडन पे टिक करवा दिया था, ज़्यादातर आप सही थे, लेकिन इसको प्रेफेस टू शेक्सपियर, ये डॉक्टर जॉनसन ही हैं, और ज़्यादातर लोगों ने आप में सही दिया था। अब मैं किस फ्लो में था मुझे नहीं पता है कि मैंने ये वाला ट्रिक करवाया था, वो दैट इज़ माई मिस्टेक, एंड आई विद डीपर सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी एक्सेप्ट माई मिस्टेक। तो इसको रेक्टिफाई कर लीजिए, रेक्टिफाई कराने का उद्देश्य बस इतना है कि अगर एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आ गया तो आपका मेरी वजह से नहीं गलत होना चाहिए, हालांकि मैं कोशिश करता हूँ और करता रहूँगा कि आपको एकदम प्रिसाइज ही मिले, बट आफ्टर ऑल आई एम अ ह्यूमन बीइंग, तो दैट्स अ ह्यूमन एरर। उसके लिए मैं यहाँ पर करेक्शन दे रहा हूँ कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैज़ इट बीन सेड दैट द स्टेज इज ओनली अ स्टेज एंड द प्लेयर्स आर ओनली प्लेयर्स, ये डॉक्टर जॉनसन ने कही है। प्रमाण के रूप में आप इंटरनेट वगैरह पे इसके कई आंसर मिल जाएंगे, यूथ टाइप की किताब में इसके आंसर भी गलत हैं। खैर, जब मैं ये देख रहा था तो उसके बाद मैं कंसल्ट कर रहा था, तो यहाँ पर मेरे पास एक किताब है जहाँ पर स्पष्ट लिखा है इसका एक ये डेविड डैचेज की वॉल्यूम 2 है, इसमें ये कहते हैं कि द ट्रूथ इज दैट द स्पेक्टेटर्स आर ऑलवेज इन देयर सेंसेस एंड नो फ्रॉम एक्ट 1 टू द लास्ट 1 दैट द स्टेज इज ओनली स्टेज एंड द प्लेयर्स आर ओनली प्लेयर। तो ये डेविड डैचेज की किताब में भी है, तो आप वैसे तो कई किताब में है, शायद जहाँ से मैंने देखा रहा होगा वहाँ नज़र पड़ी होगी, तो इसलिए ऐसा हो गया होगा। तो आई थिंक कि दैट विल हेल्प यू। गुड नाइट, और जाते जाते आपसे जो बोला है उसको जरूर करिए। थैंक यू।